बेटा। शायद उनकी तबीयत खराब तो नहीं है, एक मिनट देख कर आता। क्या हो पापा, आप इतने परेशान क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विकास बेटा तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। क्या हो गया? वो जो हमारा लोडेड ट्रक था ना, वो हाईवे पर पलट गया। पुलिस हमारे स्टाफ को बहुत परेशान कर रही है और हाँ पब्लिक भी। मैं सोचता हूँ मैं चला जाता हूँ। पापा मेरे होते हुए आप क्यों जाओगे? मैं जाता हूँ। बेटा पर आज तो तुम्हारी सुहाग रात है। पापा आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। पापा ऐसी रातें तो बार बार आती रहेगी, अब टेंशन मत लो, ठीक है? दीपा मेरा बैग दे देना जरा। भगवान करे तुम्हारे जैसा दामाद सबको दे। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किया होगा। तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। पापा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और दीपा मैं पहुंच के कॉल करता हूँ। पापा क्या हो रहा था? एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कुकर्म कैसे कर सकता था? और अगर उसे ऐसा करना ही था तो उसने अपनी जवान बेटी की शादी क्यों की? और सोचने वाली बात तो ये थी कि इस कुकर्म में उसकी बेटी की भी सहमति थी। नमस्कार, मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो ये है क्राइम की दुनिया में। बाप बेटी के इस अनैतिक संबंध की कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। रामचरण, रामचरण, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा रामचरण। पापा, क्या हुआ आपको पापा? रामकृष्ण, प्रकाश, प्रकाश, तू मेरा दोस्त है, मुझे मेरे बेटे की फिक्र है, मेरे घर के बारे में। क्या चिंता मत करो रामचरण, मैं हूँ ना, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा उसका। वादा, वादा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ रामचरण। एक तेरी बात और एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद ये जो कहे जैसा कहे वैसे बात मानना, ये समझना कि ये तुम्हारे पापा ही है। हाँ बेटा वादा करो, करोगी ना? रामचरण तुम बिल्कुल चिंता मत करो, खुश रहो। रामचरण, रामचरण, रामचरण। बेटा रोने से मरने वाला वापस नहीं आएगा, बल्कि तुम अपनी ही तबीयत खराब करोगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रामचरण से ज्यादा ख्याल रखूंगा। चुप हो जाओ। दीपा, कहाँ थी भाई? क्या पापा, कहीं भी शुरू हो जाते हो। बुआ जी कभी भी आ सकती हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो कांड हो जाएगा। आज तो तुम कितनी हसीन लग रही हो। वेद प्रकाश। अरे जीजी आप? ऐसा ना, पराई लड़की को कब तक रखे आपने घर में? अब बड़ी हो गई, शादी करा दे इसके। तू तो बाहर भीतर जाता नहीं है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे जीजी मैं इन बातों की चिंता नहीं करता हूँ, समझ गई? और मुझे किसी का भी डर नहीं। तुझे डर नहीं लगता है, लेकिन समाज नाम की कोई चीज होती है कि नहीं?
और हम समाज में रहते हैं, जंगल में नहीं, जानवरों जैसी बातें करता है। लेकिन जीजी, अच्छा लड़का इसमें कहाँ मिलता है? ले, अब माँ बाप कब से लड़की के लिए लड़का ढूंढने लगे? आजकल की लड़कियाँ खुद के पसंद से जीवन साथी ढूंढते हैं। बता ना, कोई लड़का पसंद है तो बता अपने पापा को, करवा देंगे शादी उससे। कहा था आधे घंटे में आ जाएगी, अभी तक नहीं आई। किससे मिलाने के लिए बोल रही थी, कहां रह गई है? आ गई बेटा। हाँ पापा, ये विकास है जिनके बारे में आपसे बात कर रही थी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, बैठो। दीपा तुम्हारे बारे में बता रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। जी अंकल जी। देखो बेटा, मुझे मेरी बेटी पर पूरा यकीन है, वो कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। क्या हुआ अंकल जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा, उम्र हो चली है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक ही कमी रखी। इसलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि शादी के बाद तुम घर जवाई बनकर मेरे ही घर में रहो। घर जवाई? हाँ, मुझे पता है कोई भी गैरतमंद ये फैसला नहीं लेगा, लेकिन क्या करें, पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है और मेरे जाने के बाद कौन उनका ख्याल रखेगा, और नौकरों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और जब मैं हुई तो तुम ठीक कहती हो और मुझे मंजूर है अंकल। अंकल नहीं, पापा बोलो, पापा। अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी खूब धूमधाम से करूंगा। नहीं पापा, हम रजिस्टर मैरिज करेंगे। क्यों? बस यूं ही। पिता या बाबूजी, ये ऐसे शब्द हैं जिसे सुन के हमारे मन में सिर्फ प्रेम और श्रद्धा आती है, लेकिन इस रिश्ते को न सिर्फ वेद प्रकाश ने बल्कि दीपा ने भी शर्मसार किया था। विकास से शादी इन दोनों ने इस प्लान से की थी कि वेद प्रकाश और दीपा कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की शादी थी जिसमें दीपा को अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब ऐसे रिश्ते पनपते हैं तो सिर्फ गुनाह की ओर ले जाते हैं। क्या होगा ऐसे रिश्ते का अंजाम? क्या दीपा के हस्बैंड विकास को दीपा और उसके ससुर के अवैध संबंध के बारे में पता चलेगा? क्या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? आइए देखें। कौन था ये? जी ये मेरे ससुर थे। और ये दोनों कौन है? जी ये मेरी पत्नी दीपा और इनकी बुआ है। किसने मारा इनको? सर इनका मर्डर मैंने ही किया। नहीं सर, इस आदमी का खून मैंने ही किया है, क्योंकि ये आदमी शादी के पहले से ही मेरे साथ अवैध रिश्ता बनाता था और इसने आज भी। चल इधर आ, चल। ये बता कि तू मुझे मना करेगी? तेरा हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, और विकास से शादी इसीलिए नहीं करवाई थी, इसलिए करवाई थी कि हमारा तुम्हारा रिश्ता चल रहा है। और सुहागरात मैंने ही मनाई थी ना तेरे साथ? यही तो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं, अब मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। अच्छा, तू उसे धोखा नहीं दे सकती, तू मुझे मना करेगी? सर ये झूठ बोल रही है, ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है बस।
इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है इंस्पेक्टर साहब कि मैंने मारा है इनको। क्या आपने? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज मैं हॉल में आई हूँ। चला इधर, इधर आ। तू मुझे मना कर रही है? अपने पापा को मना कर रही है? हाँ? नहीं पापा, अब मैं आपसे रिश्ता नहीं रख सकती। अब मेरी शादी हो गई है, मैं विकास की पत्नी हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली आज को चली। तू मेरे साथ रिश्ता नहीं रखेगी? एक बात जानती है कि मैंने अपना और तेरा जो रिश्ता है ना उसका वीडियो बनाकर रखा है। क्या? और उसे विकास को दिखा दूंगा तो क्या होगा जानती है? प्लीज पापा ऐसा मत करना। ठीक है, जा अपने कमरे में, आज मेरा बहुत मूड कर रहा है, जा। वेद प्रकाश, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच इंसान हो। मुझे अपने भाई से इतनी घटिया हरकत की उम्मीद कभी नहीं थी। तुमने जो पाप किया है ना, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारे पाप की सजा मैं दूंगी। आपने कत्ल तो किया है और आपको इसकी सजा भी मिलेगी। कांस्टेबल, लेके जाओ इसको। बुआ, चलो। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं इस बारे में कुछ भी? क्योंकि मैं डरती थी कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। हेलो, रमेश निवास में फॉरन एम्बुलेंस भेजो। दोस्तों, हम अक्सर देखते या सुनते हैं कि कई बार मुंह बोले रिश्ते खून के रिश्तों से पवित्र होते हैं, लेकिन वेद प्रकाश जैसे लोग उसे कलंकित कर ही देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पाप का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वेद प्रकाश के पाप की सजा उसकी बहन सुमित्रा ने दे डाली और वो गुनहगार बन गई। समाज में अवैध शारीरिक संबंधों का यही अंजाम होता है और ऐसे रिश्ते तब बनते या पनपते हैं जब हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने संस्कारों को ना भूले ताकि समाज में ऐसी घटनाएं ना हो। फिर मिलूंगी आपसे एक रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। सोच ले, अगर हारी ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हारूंगी, वो तो हकीकत है। पर तुमने तो कहा था कि अब तुम कर्जा नहीं लोगे और तुमने फिर से ले लिया। अरे यार, कर्जे से घर चलता है क्या? बुढ़ा है, घर पर आते ही खर्राटे लेकर सो जाता है। तो तेरी क्या ख्वाहिश है? हाँ, अरे इतने सारे पैसे हैं उसके पास, वो सब तेरी तो है। अरे यार, पैसों से क्या होता है, जिंदगी हर बार थोड़ी मिलती है। जिंदगी तो ऐश करने के लिए होती है। किसने मारा इन्हें? मैंने। आपने? पर क्यों?